और गोरा रंग सभी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। चमकदार और रोशन चेहरा आंखों को बहुत भला महसूस होता है, लेकिन ऐसा रोशन चेहरा हर किसी का नहीं होता। लोग ऐसा रूप हासिल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फायदा बहुत कम नजर आता है। अल्लाह ताला ने कुदरती चीजों में जो खसूसियात रखी हैं, वो मसनूई चीजों में नहीं। आज मैं आपको बेहतरीन कुदरती इंग्रेडिएंट्स से हसीन निखार हासिल करने का उम्दा टोटका बताऊंगी। इस टोटके से आपके चेहरे पर बेमिसाल चमक आ जाएगी, आपका रंग भी बहुत गोरा होगा और आपका चेहरा ऐसे फील होगा जैसे लाइट की तरह चमक रहा है। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस टोटके के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पीछे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और इस टोटके में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनमें शामिल है दूध खालिश की खाने का चम्मच और नींबू का रस 3 कप। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को सोते वक्त 1 चम्मच खालिश दूध में नींबू का रस आप मिला लें, दूध हट जाएगा। अब इस दूध को आप अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर मल लें और सो जाएं। सुबह उठकर किसी अच्छे सोप या फेस वॉश से आप अपनी स्किन धो लें। दूध में ऐसे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत और स्किन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटीन की भी बहुत बड़ी मिकदार होती है जो हमें खूबसूरती देती है। लेमन में सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स बहुत कसर मिकदार में होते हैं। इसके रस, छिलके, बीज हर चीज में बेपनाह गिजाइत मौजूद होती है। इसमें कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट भी होता है जो हमारी चिट की रंगत निखारने में मदद करता है। रंगत गोरी करने का ये मेरा अपना आजमीदा नुस्खा है। अगर आपके चेहरे पर किसी किस्म के दाग धब्बे हैं, तो ये अमेजिंग टोटका इनको साफ करके स्किन को शफाफ बनाएगा और रंगत शर्तिया गोरी करेगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पर ज्यादा एक्ने या जख्म हो तो इसको इस्तेमाल ना करें। ये नुस्खा एक बीच क्रीम के जैसे वर्क करेगा, रंगत को बिल्कुल निखार देगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की उम्दा वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच